और सीधे चलते हैं इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करते हुए। प्रभुदास पटवारी जोर साहब एक घर में हमारी मीटिंग हुआ करती थी और एक उस समय शब्द था 90 नोट आउट। आचार्य कृपलानी जी, शंकरलाल बैंकर, ये 90 प्लस वाले थे सब, उस समय गुजरात में ही रहते थे आपातकाल के दिनों में, और मुझे उन सबकी सेवा करने का सौभाग्य मिलता था। मैंने अडवाणी जी को पहली बार निकट से इमरजेंसी में देखा, बेंगलोर जेल में थे और उनको राज्यसभा का फॉर्म भरने के लिए गुजरात में से राज्यसभा में जाना था उनका। बाहुबली सरकार जनता मोर्चा की सरकार बनी थी तो बेंगलोर से हवाई जहाज में पुलिस उनको लेकर के आई फॉर्म भरने के लिए। हम तो बहुत जूनियर थे तो एक व्यवस्था थी हमारे पास, तो व्यवस्था के तहत मुझे एयरपोर्ट पर जाना था उनको रिसीव करने के लिए। और उन्हीं समय हमारे एक बसंत भाई गजेंद्र गढ़कर, हमारे बड़े वरिष्ठ गुजरात के सार्वजनिक जीवन को नाम था, उनका स्वर्गवास हुआ था। पहली बार मैंने अडवाणी जी को देखा था उस दिन, फिर गुजरात से वो राज्यसभा के सदस्य बने थे। आपातकाल में मुझे बहुत छोटा होने के बावजूद भी, चाहे रविंद्र वर्मा जी हो, जौहर साहब हो, ये बड़े वरिष्ठ लोग जो लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ते थे, उनके साथ काम करने का अवसर मिला। गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन शुरू हुआ था, हम नवनिर्माण आंदोलन से जुड़े और उसके कारण जयप्रकाश जी के निकट आने का अवसर मिला। जयप्रकाश जी ने 3 दिन लगातार गुजरात में रहकर के भ्रमण किया तो मुझे भी उस समय व्यवस्था के तहत उन कार्यक्रमों में जाने का अवसर मिला, उनके पास रहने का अवसर मिला। और मैंने देखा कि भारत की दुर्दशा के प्रति जो आग थी उनके अंदर, बोलने में कोई उस प्रकार से नहीं थे, बड़ी मृदु भाषा बोलते थे, सरल, और आवाज भी बड़ी धीमी रहती थी, लेकिन अंदर से जो उबलते हुए ज्वाला की तरह उनकी आंखों से वो झलक दिखती थी, वो परेशान है देश की स्थिति के बदलना चाहते हैं, जिन सपनों को देकर लेकर के उन्होंने देश के लिए अपने आप को खपा, भिन्न भिन्न विचारों प्रभावों से वो गुजरे थे, वो किसी एक विचार से बंधे हुए नहीं थे, वो खुले मन के थे, वे साम्यवादी विचार प्रभाव से अपने विद्यार्थी काल से प्रारंभ किया, बलते से बदलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समर्थक के रूप में भी अपने आप को उभरते थे, वो डरे नहीं थे, उनको चिंता नहीं हुई थी कि दुनिया क्या कहेगी, जब जो सत्य लगा उसके लिए जी लिया, ये जयप्रकाश जी की विशेषता। उस समय जो यातनाएं हुई है, अभी कुमी कपूर जी की एक किताब निकली है, इतना बारीकी से वर्णन है कि कैसे कैसे खास करके कुछ परिवारों को कैसे परेशान किया गया। मुझे स्वामी के साथ काम करने का अवसर मिला, उस समय स्वामी भूगर्भ में थे, हम भी भूगर्भ में थे, हमारे मकरंद देसाई और स्वामी जी विदेश चले गए, क्योंकि हम लोगों को उस समय लगता था इंदिरा जी को सबसे ज्यादा चिंता, दुनिया में उनका ओपिनियन क्या बन रहा है उसकी सबसे ज्यादा वो कॉन्शियस थी, वो भारत को क्या हो रहा है गिनती नहीं थी, इंदिरा जी परवाही नहीं थी उनको, लेकिन दुनिया में उनके प्रति थोड़ा सा भी नेगेटिव हो जाए तो वो कॉन्शियस थी। तो फिर हम लोगों ने भी तय किया कि हम भी दुनिया में डंका बजाएंगे। केदारनाथ जी सहानी उसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे शुरू में, बाद में स्वामी जी गए, मकरंद देसाई गए और मैं यहां से लिखा पट्टी का काम करता, क्योंकि सारे वरिष्ठ लोग जेल चले गए थे, हम भूगर्भ में थे, तो उसके कारण मुझे एक पूरे देश के माहौल में लोकतंत्र के लिए जीने मरने वाले लोग, और मूलतः जो गांधीयन लोग थे, उनके साथ कार्य करने का अवसर मिला। आपातकाल में से जिस प्रकार से संकट आए, उस प्रकार से कभी कभी सोना तपता है ज्यादा निखरता है, इमरजेंसी में भारत का लोकतंत्र तपा और ज्यादा निखर करके उभरा है, और वो जयप्रकाश जी और उनके साथियों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके कारण हुआ है। जुल्म के बीच भी एक जज्बा होता है जो मूल्यों के लिए जीने के लिए ताकत देता है, ये इमरजेंसी का सबसे बड़ा सबक मिला है। इमरजेंसी को याद करके रोते रहना ये मेरी प्रकृति नहीं है, इमरजेंसी को याद करके
लोकतंत्र की ताकत को पहचानना और आने वाली पीढ़ियों को पहचान परिचित करवाना ये समय की मांग है। दुनिया में हिंदुस्तान में सब लोग मानते थे। जब जेल में जनता पार्टी का मुसद्दा तैयार हो रहा था, सब लोग जेल में थे, एक जेल से दूसरे जेल पर कागज चिट्ठी पर चपाटी जाती थी, कुछ भोजन के डिब्बे में पहुंचाई जाती थी और उसमें से वो उसका डॉक्यूमेंट तैयार हुआ। बहुत लोग थे जिनका मत था कि इस चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए और कुछ लोग थे जिनका मत था कि भारत की जनता के प्रति हमारा भरोसा होना चाहिए, उसकी रगों में लोकतंत्र है, वो कभी भी इन चीजों, तब एक विचार आता था जेलों में चर्चा में कि मीडिया पे ताले लग चुके हैं, लोगों तक पहुंचने का समय नहीं है, मैडम ने अचानक चुनाव घोषित कर दिया है और ये बड़ी चतुर महिला है, ये किसी भी हालत में हमारे हाथ कुछ लगने नहीं देगी, आशंका के माहौल में चुनाव, नेतृत्व जेल में था, पूरे देश से कट ऑफ था, उसको पता नहीं था कि बाहर माहौल क्या था, एक व्यक्ति दूसरे से बात नहीं कर पाता था कि लेकिन भारत के सामान्य नागरिक की लोकतंत्र की ताकत देखिए, भारत के सामान्य नागरिक के लोकतंत्र के प्रति आस्था देखिए, भारत के सामान्य व्यक्ति के रगों में दौड़ते हुए लोकतंत्र के उन संस्कारों को देखिए कि आपातकाल के बाद जैसा ही चुनाव आया वो सभाओं में भी नहीं जाता था, डरता था, नारे नहीं थे, बैनर नहीं थे, पोस्टर नहीं थे, गुपचुप जैसे चुनाव हो रहा ऐसा माहौल था, भय का साया था और आरएसएस वगैरह को तो अभी जेल से छोड़ा भी नहीं था, इमरजेंसी तो वैसे ही उनके लिए तो चालू थी, लेकिन इस देश की जनता ने वो ताकत दिखाई, अच्छों अच्छों को घर घर भेज दिया, लोकतांत्रिक तरीके से भेज दिया और लोकतंत्र का विजय कर दिया। ये दुनिया के लिए अजूबा था कि कोई कम्युनिकेशन न हो तो भी, और मैंने एक घटना, मैंने उस समय एक किताब लिखी थी, इमरजेंसी ने मुझे लिखने की आदत इमरजेंसी ने डाली, मैं उस समय भूगर में था तो एक मुक्तवाणी नाम का अखबार चलाता था, उपनाम से भूगर में था लेकिन उस अखबार को मैं पहुंचाता था लोगों के पास, इमरजेंसी के बाद मैंने किताब लिखी, उस किताब में मैंने एक घटना का वर्णन किया है। बस के अंदर एक महिला जा रही थी और कंडक्टर से जब उसने टिकट लिया और पैसे वापस दिए तो एक रुपये की नोट थी, गरीब महिला थी, वो उसको कह रही थी कंडक्टर को कि नोट बदल दो, कंडक्टर कह रहा था नोट अच्छी है क्यों बदलनी है, वो उसको समझा रही थी भाई मुझे नोट अच्छी कड़क चाहिए, नई चाहिए, नोट तो मुझे दो, वो कंडक्टर कह रहा था नोट चलेगी नहीं चले, झगड़ा हो गया उनके बीच। तो मैं वहाँ अंदर बैठा था, अब हम उस समय भी पता नहीं कि हमको पुलिस क्या करेगी, चुनाव तो घोषित हो चुका था, तो मैंने जरा इंटरवीन करने की कोशिश की, मैंने उस माँ को पूछा माँ नोट खराब नहीं है चल सकती है आप क्यों झगड़ा कर रही हो, उसने जो जवाब दिया मेरे लिए वो लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रेरणा था, उसने कहा आज हमारे गांव में बाबूभाई जसभाई पटेल आने वाले हैं शाम को और मुझे उनको एक रुपया दान में देना है, इसलिए मुझे कड़क नोट चाहिए क्योंकि मुझे ये जयप्रकाश जी का जो काम चल रहा है ना उसके लिए देना है। एक गांव की गरीब महिला, उसे लोकतंत्र क्या होता है, आपातकाल क्या होता है, संविधान क्या होता है कुछ ज्ञान नहीं था, उसको इतना पता था कि सच की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे अपना कुछ योगदान देना चाहिए। और उस दिन मैंने हमारे वरिष्ठ लोगों को कहा था कि चुनाव हम जीत जाएंगे, अगर एक गांव की महिला ये कहती है कि मुझे एक रुपया उसकी नोट मेरी ठीक कर दो, इसी में संकेत होता है, पॉलिटिकल पंडित कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि आपातकाल लगा था, लेकिन माहौल हवा का रूप पता चल जाता है। ये सत्य घटना का मेरा अनुभव मैंने मेरे उस किताब में लिखा हुआ है। मैं कहता हूं जयप्रकाश नारायण जी ने, जयप्रकाश नारायण जी ने ये माहौल सामान्य रूप से सार्वजनिक जीवन में कभी कभार 5-10 साल का अंतराल आ जाता है तो लोगों में बड़ा फ्रस्ट्रेशन आ जाता है, निराशा आ जाती है कि अब क्या करना है, जिंदगी बेकार है, चलो एक कोने में अपना गुजारा कर लेंगे। जयप्रकाश जी के जीवन देख करके हर सार्वजनिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को एक बड़ी प्रेरणा मिल सकती है कि उनके जीवन में सफलता विफलता, सफलता विफलता
अविरत चलती रही है। कोई ऐसा कार्यकाल नहीं है जयप्रकाश जी के जीवन का कि जिसमें निरंतर उनको कोई अच्छी स्थिति मिली हो। हर दो साल तीन साल के बाद नया टकराव, नया संघर्ष, नई परिस्थिति। आप देखिए 1932 से कालखंड से लेकर के 1975 तक का जयप्रकाश जी के जीवन को कालखंड के हम देखें तो ध्यान में आता है कि इतने उतार चढ़ाव और निराशा आना बहुत स्वाभाविक होता है। उस उम्र में उस व्यक्ति में वो चेतना थी कि देखा देश का हाल, फिर खड़े हो गए, फिर मैदान में आ गए, संपूर्ण क्रांति का विचार लेकर के आ गए और लाठी गोली जुल्म के बीच आ गए। मैं समझता हूं सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले व्यक्ति के जीवन में परिस्थितियों से कभी निराश नहीं होना चाहिए। इससे बड़ा जयप्रकाश जी का कोई संदेश नहीं हो सकता है। कभी निराश नहीं होना चाहिए। जिन आदर्शों को, मूल्यों को लेकर के जीते हैं, जीते रहना चाहिए। और मैं मानता हूं कि और मैं देखा उनको साथ ही जॉर्ज साहब बड़े फाइटर, जॉर्ज साहब के और हमारे आरिफ साहब के साथ तो मुझे कच्छ में काम करने का मौका मिला था। कच्छ के सत्याग्रह के लिए बड़ा नेतृत्व कर रहे थे आरिफ साहब। उस समय आरिफ साहब भी हमारे पार्टी में नहीं थे, समाजवादी पार्टी में थे, जॉर्ज साहब कर रहे थे, नौजवान थे। उनको मैंने लड़ाई करते हुए अपनी आंखों से देखा है, संघर्ष करते हुए देखा है। और इसलिए मैं कहता हूं आज जो देश के अंदर समाज के जिन क्षेत्रों में जो नेतृत्व पैदा हुआ है वो अचानक नहीं पैदा हुआ है। टीवी के स्क्रीन पर चमकने के कारण पैदा हुआ नेतृत्व नहीं है, ये तपा तपाया हुआ नेतृत्व है जो देश के लिए जीने मरने वाले आदर्शों को लेकर आया है। जयप्रकाश जी उन महापुरुषों में थे। आज उनके जन्म जयंती पर हम यही उनसे प्रणाम करते हुए कहें कि हमें शक्ति दो। संपूर्ण क्रांति का मंत्र संपूर्ण विकास क्रांति के मंत्र के रूप में परिवर्तित हो। हम सात अर्थ में सबका साथ सबका विकास इसी मंत्र को लेकर के राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, लोकतंत्र के मूल्यों को और अधिक ताकतवर बना करके चलें। यही आशीर्वाद उनसे मिलते रहें। आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।